हेलो फ्रेंड, मैं नीलमा सिंह। आज आप लोग को मैं आम का प्लांट लाई थी 10-12 दिन पहले, उसी का रिपोर्टिंग कर रही हूँ, उसी का वीडियो मैं दे रही हूँ। ये इसमें 50% मैंने मिट्टी लिया, उसे तो मैं बहुत कम डालती हूँ मिट्टी, छोटे छोटे फ्लावर, क्योंकि आम का प्लांट है, इसमें 50% गार्डन सोइल दिया जाता है। उसके बाद ये मैं, ये 18 इंची का पॉट है, इसमें 2 होल बनाया हुआ था, मैंने होल कर दिया है और उसमें ये दिए को मैंने ऐसे करके उलट के डाल दिया है। उसके बाद मैंने शुरू में ये सैंड बालू वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको अपना सूखे हुए पत्ते से इसको भरूंगी। इसमें मैं एक ही ये सबको मैं भर दे रहा हूँ, इसलिए परमानेंट ये आम का प्लांट है, बड़ा होगा ये सब खाद बन जाएगा, इसीलिए मैं इसको एक ही तक इसको भर दे रहा हूँ। ये सब खाद बन जाएगा। मैंने इतने तक इसको भर दिया, उसके बाद में थोड़ा सा मिट्टी डाल दूँगी। फिर मैं 2-3 दिन, ये मेरा कीचड़ वेस्टर है, 2-3 दिन इसको मैं सूखने के लिए डाल दी थी, ये मैं डाल दूँगी। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा मिट्टी डाल दूँ। उसके बाद मैं इसको कार्टून से, अब ये भी दीपम कंपोस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये आधा मैंने इसको भर लिया है। इस तरह से मैंने इसको भर लिया है। अब मैं इसमें 30% वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ मैं, आप गोबर की खाद वो भी दे सकते हैं। इस तरह से मिला लें। इसमें मैं ये एप्सम सॉल्ट है, ये थोड़ा डाल दूँगी। ये साफी है, फंगिसाइड पाउडर है, ये मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, कीटाणु नहीं लगे। इस तरह से मैं सबको मिला लूँगी। उसके बाद ये नीम की खली है, ये मैं 2 मुट्ठी डाल देती हूँ। इस तरह से मैं सबको मिला के इसमें मैं डालूँगी। इस तरह से अच्छा से सबको मिला लेना। 50% गार्डन सोइल, 30% वर्मी कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद, 10% मैंने सैंड बालू दिया है, और 10% मैं थोड़ा सा सूखा हुआ पत्ता। इस तरह से अब मैं इसको डाल दूँ। अब मैं इसको, ये मेरा आम का पौधा है, इसको मैंने कैंची से काट दिया है, अब मैं इसको डाल देती हूँ। ये ड्राफ्ट यहाँ किया हुआ है, इसके नीचे ही मैं ये कर लूँ। इस तरह से इसको मैं कुछ छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि आम का प्लांट है, मैं इसको इस तरह से इसमें बीच में इस तरह से डाल दूँगी। ये देखिए, मैं इसको पूरा भर दूँ। इस तरह से मैं, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं जो कोई भी वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप सब लोग को मिलता है।
इसमें। ये जब नीचे बैठ जाएगा फिर मैं इसमें थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से मैं ये स्वर्ण चंपा आम है, ये ड्राफ्टिंग आम है, यहाँ से देखिए ड्राफ्ट हुआ है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं दूसरी बार आम का पौधा लगा रही हूँ नर्सरी से, मैं पहली बार लाई, पहले बार आम मैंने बीज से उगाया हुआ है। मैं इसमें अच्छा से पानी डाल दूँ, सॉरी थोड़ा पानी में नहीं ला सकता, लाइट में पानी ला। इस तरह से मैं अब इसमें खूब अच्छे से पानी डाल दूँ। साइड का पाउडर है, साफ ही है, सब प्लांट में देने से फंगस होने का डर नहीं रहता। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। नीलिमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।